पूछते हैं और आप जवाब देने में जरा आपको मुश्किल होती है, ऐसे सवाल पूछो। मोदी के एप में तो ना घर जगह जाके बताना पड़ता है, पर एक ऐसी कंपनी आई है जो उसके कहीं जाना है, सिर्फ घर में बैठ के 2 घंटे वो काम करना पड़ेगा और आपका मतलब फ्यूचर अच्छा है इसमें। हाँ जी बिल्कुल सही कहा, ऐसी कंपनी 20-25 साल पहले भी आई थी। ऐसी कंपनी लगातार आती रहती है, पर अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए, बहलना नहीं है, अगर परमानेंट सक्सेस चाहिए तो मोदी क्या करना होता है। अब देखो बैठिए, हाँ बैठिए, इसकी साइकोलॉजी को समझाती हूँ। लोग अब जैसे अभी क्रिप्टो करेंसी आई, अभी शेयर मार्केट भी चलता ही है ना, सट्टाबाजी भी चलती है ना, स्मगलिंग भी चलती है ना, बहुत कुछ चलता है। ऐसा तो है नहीं कि पैसा कमाने का इकलौता तरीका मोदी कह रहे हैं, चलता बहुत कुछ है, पर जो सबसे सेफ है और जो सबसे गारंटेड है वो मोदी कह रहे हैं। जिसमें जो पार्ट टाइम में हो सकता है, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हो सकता है, जिसमें कोई रिस्क नहीं है, जो आप अपनी सुविधा से कर सकते हो और जो गारंटेड है वो मोदी कह रहे हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं उनको ये बात समझाने की कोशिश करनी है, समझ जाएंगे तो भला, नहीं समझेंगे तो उनका भला, आप जो कर रहे हो वो करते रहना है, ठीक है। आजकल देखो ना RBI के कितने एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि 3 साल में पैसा दुगना कर देंगे, ऐसी बहुत कंपनी है 3 साल में पैसा दुगना कर देंगे, कितनी कंपनियां कर पाती हैं, सब डूब जाता है ना। तो शॉर्टकट्स में आप लकी ड्रॉ की तरह आजमा के देखो, पर दिल लगा के मोदी केयर करो, ठीक है। हाँ जी और कोई सवाल, मैम लोग एनवायरनमेंट के बारे में मैंने उनको दिया था डेमो, जो ज़्यादा पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वही मतलब यूट्यूब कहते हैं हम सर्च करेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में, फिर हम लेंगे वो देखते हैं यूट्यूब से, मेरे को वीडियो भेज देते हैं, उसमें यूट्यूब में वीडियो फेक वीडियो है, ये चिप कुछ नहीं करती, कुछ काम नहीं होता इसमें, कुछ नहीं होता, तो बहुत सारे लोग मुझे वीडियो भेजते हैं ये देखो तुम्हारा चिप कुछ भी काम नहीं करता, ठीक है। देखो अभी बैठो, अब इसका पहला तरीका तो ये है कि आप एनवायरनमेंट खुद काम में लो। जब आप एनवायरनमेंट काम में लेते हो आपको महसूस होगा कि घंटों में बात करते हो तो कान गर्म नहीं होते, कितने लोगों ने ये नोटिस किया है। अगर आप एनवायरनमेंट लगा के नहीं तो ना, जब अपन फोन पे बहुत ज़्यादा देर बात करते हैं यहाँ पे गरम गरम होने लगता है, जब आप एनवायरनमेंट लगा करके बात कर रहे होते हो तो गरम नहीं हो रहा होता। दूसरा, जब भी आपको कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति मिले, पढ़े लिखे व्यक्ति को जवाब हमेशा पढ़ाई लिखाई में देना है। जब कोई कहना कि अरे एनवायरनमेंट कोई काम नहीं करता, बोलो जी आप अपने फ़ोन का मैन्यूल निकाल करके देख लो, उस फ़ोन के मैन्यूल में लिखा हुआ है कि अपने फ़ोन को अपने कान से इतना दूर रख करके बात करो और इतनी देर बात करो, एक बार अपना मैन्यूल पढ़ लो फिर हम आपसे बात करेंगे। जब कोई पढ़ाई लिखाई जताए उसको पढ़ाई लिखाई का ही आंसर देना है और खुद परेशान नहीं होना है। अगर एनवायरनमेंट वर्क नहीं कर रहा होता तो समीर मोदी जी लाते नहीं, इसको कहते हैं विश्वास। अगर एनवायरनमेंट नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, हमें ये विश्वास करना है कि समीर मोदी जी इतना तो मानते हो हमसे ज़्यादा पैसे वाले, इतना भी मानते हो उनकी इज्जत हमसे ज़्यादा इज्जत है, अगर कुछ भी गड़बड़ काम करेंगे तो हमारी इज्जत पहले जाएगी या उनकी इज्जत पहले जाएगी, उनकी इज्जत जाएगी तो छोटी जाएगी या बड़ी जाएगी, बड़ी जाएगी। तो कुछ भी उन्होंने किया है अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे काम करती है तो हमारे को 100% विश्वास होना चाहिए, खुद को परेशान नहीं होना है। मैं हर ऑब्जेक्शन में एक बात कहूँगी, खुद को परेशान नहीं होना है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि अभी इस दरवाजे पर ताला लगा दो तो कोई अंदर नहीं जा पाएगा ना, मैंने मेरे दिल पर ताला लगा रखा है, कोई भी ऑब्जेक्शन हो मेरे अंदर नहीं जाता, यहीं तक रहता है, मुझे पता है उसकी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम गारंटेड नहीं है। ऑब्जेक्शन प्रॉब्लम कब बनता है, जब उस प्रॉब्लम को हम अपनी प्रॉब्लम बना लेते हैं। कोई कहता है मोदी केयर वर्क नहीं करता, हमारी प्रॉब्लम नहीं है वो उसकी सोच की प्रॉब्लम है, पर अगर उसकी सोच को हम अपने ऊपर हावी होने दें ये हमारी प्रॉब्लम है। तो ऑब्जेक्शन के साथ पहला काम ये है, अपने यहाँ पे ताला लगा के रखो, कोई भी बात कानों के अलावा कहीं जा ही नहीं रही, सुन रहे जो हमें सही आंसर पता है बता रहे, बाकी उसकी किस्मत उसके साथ, वो समझेगा तो किस्मत वाला, नहीं समझेगा तो सबकी किस्मत का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, ये वाली बात। तो आप जो भी पढ़ा लिखा मिले उसको पढ़ाई लिखाई के साथ जवाब दो, ठीक है। हाँ जी आपके पेरेंट्स तो बाहर आने जाने देते, ट्रेनिंग मीटिंग के लिए आने जाने देते, लेकिन हमारे लिए आने जाने देते, हम काम कैसे करेंगे फिर?
सही समझ सकती हो। देखो पेरेंट्स से ऊपर तो नहीं हुआ जा सकता, हमें ये बात बोलनी है, जो मैं बोल रही हूँ वो बोल रही हूँ कि पेरेंट्स से ऊपर तो नहीं हुआ जा सकता। हालांकि ये सच है, जब आप सक्सेसफुल होगी तो सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स ही आप पर प्राउड करेंगे। थोड़ी सी कोशिश करो, घर में थोड़ी आधे घंटे एक घंटे कोई कोई वीडियो चलाने लगो कि मेरी मैं पेरेंट्स बदलेंगे, तब तक थोड़ा चोरी चोरी चुपके चुपके करो, आपको छोटी सी भी सक्सेस मिलेगी ना, आपके पेरेंट्स आपके साथ हो जाएंगे। एक्चुअली जो संगीत नेटवर्क मार्केटिंग का सफलता का आपके दिमाग में बज रहा है वो उन्होंने अभी तक सुना नहीं है, तो थोड़ी पतली गली आपको निकालनी पड़ेगी। जैसे स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, चुपचाप चुपचाप काम करो। अब मैंने क्या किया, मैंने इनको बोला पेरेंट्स के लिए अच्छा है, पेरेंट्स के काम आएगा, पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करेंगे, चुप बहस मत करो, आर्ग्यू मत करो, चुपचाप चुपचाप थोड़ा सा काम करके सफलता और अपने घर में वीडियो चलाओ, जिससे धीमे धीमे आपके पेरेंट्स आपका साथ देंगे। बाकी देखो सच तो यही है, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं मान रहे तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, गो टू नेक्स्ट। आपके पेरेंट्स मान गए ना तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्शन के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि वो आपकी प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। Yes or no? अगला मैम बहुत क्वेश्चन आते हैं जब दूसरे नेटवर्क मार्केट के लोगों के पास जाते हैं, बहुत लाइनों पे काम करना पड़ता है, यहाँ पे दो लाइंस पे काम करना पड़ता है, इतनी मेहनत कौन करे। उनसे ऐसे तुरंत पूछो कि अच्छा ये बताओ दो लाइन पे काम करके कोई 10 लाख रुपए आप कमाने वाला जानते हो? मैं बोलते हैं कि सुनो पहले अब जवाब सुनो, दो लाइन में काम करके 10 लाख रुपया कमाने वाला कोई जो 10 साल से कमा रहा है, ऐसे एक भी व्यक्ति को जानते हो तो मैडम बता दो, उनसे ऐसे पूछना है। और मैं आपको जो जेन्युइन का आंसर है वो जेन्युइन आंसर बताती हूँ उसका क्या है। प्लान भले ही 6 लाख का हो, 3 लाख का हो, 2 लाख का हो, आपको 10 लाख रुपया महीना कमाने के लिए लगभग 100 लोग ट्रेन करने होते हैं। अब फिर से बता रही हूँ, 2 लाख का भी प्लान होगा ना तो 50 इधर 50 इधर ट्रेन करने पड़ेंगे, 4 लाख का भी प्लान होगा तो 25 इधर 25 इधर 25 इधर 25 इधर ट्रेन करने पड़ेंगे, 6 लाख का भी प्लान होगा ना तो 15 इधर 15 इधर 15 इधर 15 इधर 15 इधर ट्रेन करने पड़ेंगे, तब ही परमानेंट पैसा आएगा। तो प्लान कोई भी हो, हमें पता होना चाहिए, प्लान कोई भी हो अल्टीमेटली 100 लोग तैयार करने होते हैं। जिस कंपनी में प्रोडक्ट रोजमर्रा के काम के हो, जिस कंपनी में काम आसान हो, जिस कंपनी का प्रोफाइल अच्छा हो, जिस महीने में जिस कंपनी में ऑफर वॉफर अच्छे हो, उस कंपनी में काम कर लेना चाहिए। तैयार तो 100 लोग ही करने हैं, हमें ये पता होना चाहिए। अब जब दूसरी कंपनी के लोग कहते हैं तो हमें उन्हें ये बात समझानी है 7 P's कि भैया प्लान 2 लाख का चलने वाला आप बता दो, 2 लाख की कंपनी आती है खत्म हो जाती है, आती है बंद हो जाती है, उसमें जब लोग पैसा कमाने लगते हैं तो कंपनी वाले पैसा लेके भाग जाते हैं। बहुत कंपनी है ऐसी, रेजर साहब सही कह रही हूँ, तो 2 लाख की कंपनी दिखती अच्छी है, उनसे पूछो आपको पैसा साल भर कमाना है या जिंदगी भर कमाना है। नहीं जी मैडम कमाना तो जिंदगी भर है। देखो जी 2 लाख की कंपनी तो साल डेढ़ साल में भाग जाती है, मैं तो नहीं कर सकती 2 लाख वाली, भैया मेहनत कर रहे हैं अभी तो मेहनत करें, पैसा कमाने का टाइम आया कंपनी भाग ही ना, अरे अरे ना ना बाबा ना ना बाबा, मुझे तो अच्छी स्ट्रांग कंपनी करनी है। अगर आपकी तरीकी होगी तो जो भी डायलॉग निकालोगे वो आपके काम के होंगे। ठीक है, हाँ जी, यस, जिसके पास माइक है। हाँ जी सर, अभी इस आरटीपी की प्रमोशन के दौरान एक टीम मेंबर का सवाल ये था कि ये जो ट्रेनिंग के लिए पैसा दिया जा रहा है ये कंपनी क्यों नहीं खर्च करती, तो ये सवाल, हालांकि मैंने उनको जवाब दे दिया लेकिन मैं सुनना चाहूंगा कि आपका क्या जवाब। बहुत बढ़िया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। देखो जी प्यासे कोई कुएं के पास जाना होता है और पीपल्स बिजनेस होता है, पीपल्स बिजनेस में कंपनी का इरादा तो 10 करोड़ 20 करोड़ लोग बनाने होते हैं। अब अगर कंपनी खर्च करेगी तो लोग अकाउंटेबल नहीं हो पाएंगे, लोग जब अकाउंटेबल होते हैं तो वो सक्सेस लाते हैं, तो लोगों को अकाउंटेबल बनाने के लिए उनसे ये पैसा लिया जाता है। ये एक आंसर है, ऐसे 2500 आंसर हैं कि हमारे बिजनेस का सिस्टम ही ये है, हमारे बिजनेस में पेड इवेंट्स ही वर्क करती हैं, 100-100 रुपया किसी एक व्यक्ति को भारी नहीं पड़ता,
और 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 कोई करेगा तो लगातार खर्चा करेगा नहीं, कंसिस्टेंसी बनानी हो तो हमारे सिस्टम में सेल्फ फंडेड इवेंट होना जरूरी है, इसलिए भैया हम पेड इवेंट करते हैं। सारे लोग पूल में पड़े होते, अगर ये इवेंट फ्री कर दी गई होती। अब आप ये देखो, एक एग्जांपल बताती हूँ, ईशान की शादी है, ठीक है, अब क्या मैं सुरेखा भार्गव यूरोप में शादी नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, यूरोप के होटल वोटल का खर्चा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। चलो भैया मेरे ही लगभग गेस्ट लिस्ट है जो मेन मेन लोग हैं 300 लोग, अब 300 लोगों को क्या मैं यूरोप लेके नहीं जा सकती? ले जा सकती हूँ, यूरोप भी मैं खर्चा करके लेके जा सकती हूँ, पर जैसे ही मैं 300 लोगों की टिकट दूंगी 300 की गेस्ट लिस्ट और खड़ी हो जाएगी, और कहेंगे हमें क्यों नहीं लेकर के, फ्री कर दूँ। तो अगर मैं यूरोप लेकर के जाऊँ और लोगों से कहूँ अपना टिकट खुद करो तो गेस्ट लिस्ट मैनेजेबल हो सकती है, यस और नो? तो चीज़ें हमेशा सेल्फ फंडेड होनी चाहिए। आप सरस्वती माँ को पूछोगे, एक आंसर छोटा सा ये भी है सर, अगर आप सरस्वती माँ को पूछोगे तो लक्ष्मी माँ आपके पास आएगी, इसलिए वो छोटा सा टोकन मनी आपसे लिया जाता है, सिखाया तो आपको लाखों का माल जाता है। वैष्णो देवी को जाता है, हम उसको अपना 50 रुपया देते ना, हमारा भी प्रसाद लेके चढ़ा देना, उससे ये नहीं कहते ना हमारा भी प्रसाद लेके चढ़ा देना, कैश देते हैं खुद का, क्यों? क्योंकि जो सरस्वती माँ है, लक्ष्मी माँ है, दुर्गा माँ है ना, उनको पैसा हमारा ही फलता है। ऐसे ही सरस्वती माँ को प्रसाद तो चढ़ाना पड़ता है, अगर लक्ष्मी माँ को खुश करना है तो। लक्ष्मी माँ उल्लू पे बैठ के पहुंच जाती है, अगर सरस्वती माँ जहाँ कमल पे बैठी है वहां जाके दर्शन करके आओ तो, इसलिए आना पड़ता है। जो भी सवाल जब जवाब आए तो बता दो, पर खुद को पता होना चाहिए कि जहाँ भी मीटिंग होगी पैरों के बल घुटनों के बल चल के मैं जाऊँगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हम कितना सिखाते हैं आज़ादी मार्च में, यस और नो? पर जो आज सिखाया वो कुछ अलग है, yes. काम आएगा, yes. आपका आय का पैसा वसूल हो गया ना, yes. वो तो कल बीरेन जी की ट्रेनिंग में वसूल हो गया था, yes. Yes. तो किसी को जब भी हम आपसे डबल वसूल हो गया जब भी हमने आपसे कोई खर्चा कराया है, क्या वो पैसा वेस्ट हुआ है? No. क्या उस पैसे की पूरी वसूली में कोई कमी रखी हमने? No. नहीं, वो सिंसियरिटी हमारी तरफ से है, नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम ही है। और कुछ माइक सामने पास में रखो। एक टीम लीडर का क्वेश्चन है कि मेरी सारी टीम बैठ गई और वो मने कर रहे हैं काम करने से, अब मैं भी नहीं कर पाऊंगी, इस स्थिति में क्या किया जाए? उससे पूछो तुमने टीम बनाई, हाँ, कोई सपना है, हाँ, किसी सपने के कारण बनाई थी, हाँ, वो सपना पूरा हो गया, नहीं, वो सपना पूरा करना चाहता है, हाँ, तो चल दोनों मिलके फिर खड़ा कर लेंगे। यही जवाब है कि पहले भी तूने खड़ा किया था, सपना भी तेरा ही था, आज भी सपना तेरा है, तू बल्कि और एक्सपीरियंस हुआ है ना, तेरे को और ज्ञान हुआ है, फिर खड़ा कर लेंगे। आज से 5 साल बाद 10 साल बाद पछताता तो नहीं बैठेगा कि मैं कर सकता था पर मैंने किया नहीं? डरना नहीं होता, मैं फिर कह रही हूँ हिम्मत वालों का बिजनेस है, खाली ठोक के बोलो। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन मैम, जब हम अपना एनवायरो चिप किसी एप्पल वाले को देने के लिए बोलते हैं तो वो कहते हैं अगर इतना ही अच्छा होता तुम्हारा एनवायरो चिप तो जो तुम अपनी 1.5-2 लाख का फ़ोन बना रही है तो वो क्या 600-700 की चिप नहीं बनाते थे? तो ये एप्पल आईफोन पे काम नहीं करेगी तुम्हारी। देखो सच बात यही है, सच बात यही है कि जो एप्पल फ़ोन है उन्होंने ऐसा ही फ़ोन बनाया है कि उसमें रेडिएशन इतना नुकसान नहीं करती है, इट्स ए फैक्ट। जितना दूसरे फोनों का रेडिएशन नुकसान करता है उतना एप्पल फोन का, एम आई राइट निशान? उतना एप्पल फोन का रेडिएशन नुकसान नहीं करता है, पर फिर भी कंप्लीट प्रोटेक्शन नहीं है क्योंकि एप्पल के भी मैनुअल में लिखा है फोन को दूर रख के बात करूं। अगर वो इतना ही सेफ है तो उन्होंने क्यों लिखा है कि दूर रख के बात करूं? ठीक है, और कुछ? यानी हर सवाल का जवाब क्या है, खुद तो कूल हो। हम सबको क्या बनना है? मिस्टर कूल। क्या बनना है? जो भी प्रॉब्लम है दूसरों की है, हमारी किसी भी ऑब्जेक्शन को खुद की प्रॉब्लम नहीं बनाना है, यस और नो? जैसे हम न्यूज़ वगैरह
माइक ऊपर करके बोलो। मैम जैसे हम न्यू जॉइनर हैं तो क्या होता है कि जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो हमें मैम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो, मतलब ये क्वेश्चन के लिए मेरे जैसे झूठ बोलो। सिंपल, हमारे जैसे लोग 7,500 रुपया महीना कमा लेते हैं। देखो इतने अच्छे, एक बार इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, देखो इन सज्जन को देखो। क्या नाम है भैया आपका? क्या? दीप मैम। दीप नाम है इनका। देखो पैंट पहनी है, शर्ट पहनी है, टाई लगाई है। अगर ये बंदा खड़ा होके कहता है कि मैंने अभी 2 महीने पहले काम शुरू किया है और मेरे जैसे लोग भैया क्या 7,500 रुपया महीना कमा लेते, कोई शक करेगा? जब तक पैसा नहीं आता ना, तब तक कॉन्फिडेंस आना चाहिए बस। तो फेक इट टिल यू मेक इट। और ये बोलेंगे 7,500 कमा लेता हूँ, किसी का नुकसान करेंगे? किसी का नुकसान नहीं करेंगे। तो दाद अच्छे ही रहे। हाँ जी सरदार जी, दे दो भैया, सरदार जी को दे दो। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर। मैम मेरा सवाल ये है कि लोग ये कहते हैं कि इसमें सिर्फ ऊपर वाला ही पैसा कमाते हैं, या वो बोलते हैं इसमें बहुत ज्यादा लोग जो है वो कामयाब नहीं होते हैं, ये सवाल ज्यादा है। बोलो जी, बात तो बिल्कुल सही है, पैसा तो ऊपर वाले ही कमाते हैं, पर गुड न्यूज ये है कि हमको भी ऊपर वाला बनने का चांस मिलता है। ऊपर वाले बन जाते हैं तो हम कमा लेते हैं। और ये बात भी सही है, बहुत सारे लोग पैसा नहीं कमाते क्योंकि वो बिजनेस ज्वाइन करते हैं और जो करना चाहिए वो नहीं करते। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को अच्छी खबर, मतलब सही नॉलेज नहीं है, इसलिए नहीं कमाते। हमारी मैडम है, हर महीने ट्रेनिंग करती है, हमारे अपलाइन है, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हमारे यहाँ तो लोग 3-3 साल में 20-20 लाख रुपया महीना कमाने लगे हैं। और मैंने तो पक्का फैसला कर लिया है, अगले 2 साल में मेरा चेक मैंने भी 10 लाख का कर लेना है। तुझको करना है तो बोल, ऐसे बोल रहे हैं। चलो भैया एक बार पीछे भी माइक दे दो, सबसे पीछे माइक दे दो। किसी के दिमाग में कोई सवाल रह नहीं जाए, आज के बाद आपको कोई सवाल परेशान नहीं करे, ये मेरी इच्छा है। ओके जल्दी दो, जल्दी दो। मैम मेरा ऑब्जेक्शन है, जैसे हमने प्लान देखा, हमें प्लान पसंद आया, प्रोडक्ट्स भी पसंद आए, तो हमने ये कहा कि मैं प्रोडक्ट्स भी लूँगी, ज्वाइनिंग भी दूँगी, लेकिन ना मैं कोई सेमिनार अटेंड करूँगी, ना जूम मीटिंग देखूँगी, ना कोई मतलब लिटरेचर पढ़ूँगी। मतलब ये कहने का मतलब है कि मैं ज्वाइन तो कर रही हूँ, लेकिन आप मुझसे उम्मीद ना रखें कि मैं इस तरह का कोई भी पार्टिसिपेशन करूँगी। ठीक है, ऐसे में हमें ये बोलना है, अच्छा कोई बात नहीं, देखो अभी तो भक्ति चोर की लंगोट ही काफी है। उसकी किस्मत खराब है कि वो सीरियस नहीं, सब थोड़ा पीछे ही रहो, एक दो हाथ पीछे ही खड़े थे। उसकी किस्मत खराब है कि वो सीरियस नहीं है, हमने तो मेहनत करी, हमने जाके उसको पटाया है, तो अपन कुछ तो लेके आए। ऐसे में कहने का कि मैडम ठीक है, वक्त बताएगा क्या क्या करना चाहती है। मेरा तो इरादा यही है कि आप एक दिन स्विट्जरलैंड चले मोदी गिर से। देखो वक्त बताएगा आप क्या करना चाहती हैं, हमारा तो इरादा यही है कि आप एक दिन स्विट्जरलैंड अपने हस्बैंड को लेकर के जाएं मोदी केयर से। तो स्टार्ट में तो आप ज्वाइन कीजिए, मैं इतना ही प्रॉमिस कर सकती हूँ, मैं कभी भी आपकी बॉस नहीं बनूंगी, आप ही अपने मालिक हो, जो आपको अच्छा लगे वो करना, हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है। जिसको कुछ नहीं करना और हर महीने प्रोडक्ट ऑर्डर दे रहा है ठीक है, जब तक दे रहा है ठीक है, जब तक नहीं दे रहा है ठीक है। मैम कोई लोग कहता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हैं, तो मैं फिलहाल जवाब देता हूँ कि दूसरी जो मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट है उससे प्रोडक्ट में तो 100% सर्टिफाइड गारंटी के हैं। तो मैम क्या बताना चाहिए आगे? बैठो, जब कोई कहता है, अब देखो मैं प्रोस्पेक्ट से बात नहीं कर रही, मैं कंसल्टेंट से बात कर रही हूँ। प्रोस्पेक्ट को से बात करते हैं तो दूसरा जवाब होता है हमारा, अब कंसल्टेंट से बात कर रहे हैं तो फिर मैं बोलती हूँ आपको कौन सा प्रोडक्ट महंगा लगता है? मैडम आपका डिटर्जेंट महंगा है। अच्छा सर्फ के क्या दाम है? उसको सर्फ का दाम नहीं पता होता, उसको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट का दाम नहीं पता होता। गुड न्यूज ये है जो हमारे प्रोडक्ट को महंगा कहता है ना, उसको किसी भी हाल में मार्केट के किसी प्रोडक्ट का दाम नहीं पता होता। तो हमने पहले एक बार उनको मार्केट का दाम पूछ के शांत किया, फिर उनको समझाते हैं कि भैया देखो अब आप बिजनेसमैन हो, अब आपको ये समझना है मार्केट में प्रोडक्ट कोई भी हो, किसी पे बीवी नहीं मिलता, किसी पे इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है, मुझे पहले ये बताओ पैसा कमाना है तो मैं अगले 5 मिनट आपको समझाऊंगा कि हमारे प्रोडक्ट महंगे या सस्ते हैं। क्या आप पैसा कमाना चाहते हो? हाँ जी कमाना चाहता हूँ। पहले पूछो, अरे हमने ठेका खा के
निकल चले जाएं। भैया पैसे कमाना चाहते हो, बिजनेसमैन की तरह सोचने को तैयार हो तो मैं बताता हूँ, फिर बताओ कि जी देखो MRP देख करके खाली मत सोचो, आपको लॉयल्टी पे ये मिलता है, इस पे ये मिलता है, फिर उनको वो गणित समझाओ और फिर उनको बताओ कि जी अगर आपने 4-17 लोग भी बना लिए ना, आपका 5000 रुपये का चेक आएगा, आप मुझे बता दो आपको 5000 रुपये का जब चेक आने लगेगा तब प्रोडक्ट सस्ते पड़ेंगे कि महंगे पड़ेंगे। इनकम पे ही फोकस कराना है जब भी कोई कंसल्टेंट प्रोडक्ट प्राइसिंग की बात करे तो, ठीक है? और कुछ लास्ट, दिस इज द लास्ट, यस सर। कई बार हम लोग जाते हैं ना मीटिंग करने, तो कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ऑलरेडी मोदी केयर किए हुए होते हैं, तो वो प्रिंसिपल लेवल पे होते हैं, डायरेक्टर लेवल पे और छोड़ चुके होते हैं, फिर वो कुछ और कर रहे होते हैं, तो उनका सवाल होता है कि आप तो अभी आए हो, अभी आप इसमें इतना इन्वॉल्व मत हो जाना, बर्बाद हो जाओगे, हम लोग तो बर्बाद हो गए, हमारा चेकबुक आता नहीं है, सब झूठ बोलते हैं और गाड़ी वगैरह जो है खुद खरीद लेते हैं और वो दिखाते हैं। तो ये मेरा सवाल, मैं आपको मेरा जवाब बताऊं, बैठो बैठो, मेरा वाला जवाब बताऊं, सर कौन कौन था वो जो लेडी से मैं बात कर रही थी, तो जब उसने कहा कि उसने मोदी केयर किया है, मैंने क्या पूछा, सुरेखा भार्गव को जानती हो? शी सेड नहीं। आपसे कोई भी कहना मोदी केयर किया है, ये गलत है, वो गलत है, तो जो भी आपके शहर का टॉप अचीवर हो ना उसका नाम लो, पूछो वीरेंद्र परमार जी को जानते हो? नहीं। किसी वीरेंद्र परमार जी को ही नहीं जानते, मतलब किसी ने आपको ज्वाइन करा दिया, सफलता का तरीका नहीं बताया, सही गली नहीं गए थे आप, मैं सही गली बैठा हूँ, मेरे को वीरेंद्र परमार जी सपोर्ट कर रहे हैं। अब इस प्रॉब्लम का दो सोल्यूशन है, पहला वो प्रॉब्लम उनकी है, उसको अपने तक नहीं आने देना, और दूसरा उनको समझाओ कि तुम सुन, और जितने भी लोग ये कहते हैं ना, जितने भी लोग, 1-2 मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, कोई भी कहता है ना मैंने मोदी केयर किया पर ऐसा हुआ, मैं एक ही सवाल पूछती हूँ, सुरेखा भार्गव को जानते हो? नहीं। तुम कंपनी की टॉप अचीवर्स को नहीं जानते, मतलब तुमने अपना बेस्ट नहीं किया, तुमने इस कंपनी जिसमें ज्वाइन किया उसकी सक्सेस स्टोरी तक को पढ़ा नहीं, तुम प्रमोद आचार्य जी को जानते नहीं, तुम अक्षय दत्ता को जानते नहीं, तुम मनोज मलिक जी को जानते नहीं, और फिर कहते हो कि सब कुछ करके गुजर गए तुम। ऐसे लोगों को ना थोड़ा, इसको कहते हैं हिट बिलो दी बेल्ट, थोड़ी अच्छी सी ले लेने की, उनकी अच्छी सी ले लेने की। ये किया तुमने, तो मीटिंग अटेंड करी, ये किया, कौन से साल में ज्वाइन किया था, इस साल में ज्वाइन किया था, वो तेरी इतने साल में तो अभी तक 20 लाख का चेक हो गया होता आपका, क्या छोड़ गए आप पागल। ऐसे में जब कोई जूता पॉलिश वाला है ना, जूता पॉलिश वाला, अगर उसको ब्रश की बुराई करोगे ना, वो ब्रश आपके मुंह में देखे मरेगा। और हम मोदी केयर वाले लाख रुपए कमाने की बात करते हैं और किसी की सुन के आ जाएंगे? सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको बताती हूँ, अभी मेरे से किसी ने बदतमीजी करी, अभी रिसेंटली मुझसे किसी ने बदतमीजी करी, कुछ कहा मोदी केयर के खिलाफ, मैंने ऐसा पलट के मुंह पे मारा, एकदम से सिटपिटा गया। मोदी केयर की बुराई नहीं सुनना है सिस्टम, किसी की क्या मजाक सका भाई, हमारा मोदी केयर की बुराई करे तो बात करना बंद कर देगी। हाँ कुछ हुआ था ना, मुझे याद नहीं आ रहा क्या हुआ था, पर हाँ मेरे को भी पूरा वो किसने किया था याद नहीं, बड़ा सॉलिड मारी मैंने, रोज करना चाहिए ये काम। चलो ठीक है, मेरे ख्याल से अब इतना समझ में आ गया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में, यहाँ से नीचे नहीं जाने देंगे कोई भी बात, क्यों? क्योंकि वो ऑब्जेक्शन उनका है, उसको अपना नहीं बनाना है। दूसरा, जो सूझे वो बोल दो और आगे बढ़ जाओ काम करने। 135 करोड़ में वो इकलौता बंदा थोड़ी बचा आपके लिए, जो मन में आए समझा दो, समझ जाए तो भला, नहीं समझे तो भला, मेरी नहीं समझते लोग, मेरी नहीं समझते लोग, तो आपकी समझेंगे कि गारंटी बिल्कुल नहीं है, तो जो मन में आए बोलने का, आगे निकल जाने का, जाके काम करने का, खुद को सेफ रखना है, अपनी नाव में छेद नहीं होने देना है, दूसरों की नाव डूबती है तो डूब जाए। आप मेरे को स्वार्थी कह सकते हो, आप मेरे को सेल्फिश कह सकते हो, जिसकी डूब रही है भाड़ में जाए, मेरी नाव, कहते ना ऑक्सीजन अपने मास्क पहले लगाओ, हम दूसरों के मास्क लगाते बैठते खुद डूब जाते हैं, खुद को डूबना नहीं है, खुद को स्ट्रांग रखना है, ठीक है? चलो अब हम ले रहे हैं एक लंच ब्रेक।